ब्रेक के बाद रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल और पंजाब पुलिस ने आज पठानकोट के नजदीक पड़ते चंबा विश्राम गृह में नशे के बढ़ते कारोबार को खत्म करने के लिए मीटिंग की, जिसमें उन्होंने पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर नशे तस्करों के नाम साझा किए। किस क्षेत्र में नशा तस्कर सक्रिय हैं और उसको कैसे पकड़ना है, इस मौके पर पठानकोट के एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस सरजीत भाइया ने कहा कि हम लोग दिन रात नशे के तस्करों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और समय समय पर उन पर केस भी दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी व स्थानीय निवासी भी अगर पुलिस की मदद करे तो इनके कारोबार का खात्मा जल्द हो जाएगा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने कहा कि हमने पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर बढ़ते कारोबार के लिए आज मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने परमानेंट स्टाफ तैनात कर दिया है। यहाँ नशे के सौदागर अधिक सक्रिय रहते हैं। इस मौके पर एडिशनल सुपरिटेंडेंट पंजाब पुलिस सरजीत भाइया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कुलविंदर सिंह आदि पुलिस अफसर मीटिंग में मौजूद रहे। जॉइंटली इंटरस्टेट मीटिंग च आए हुए हैं, होशियारपुर तो गुरदासपुर तो और पठानकोट एंड हिमाचल पुलिस के ऑफिसर्स एंड एसएचओ सारे ही असी जॉइंटली मीटिंग है और उसका मेन जिहड़ा साडा इशू है आपसी कोआर्डीनेशन, क्योंकि कई बार की होंगे असी कोई बंदा राउंड अप करते हैं वो कहता भी असी स्पैशली एन डी पी सैक्ट भी असी हिमाचल तो लेके आए हैं और जो ये कोई राउंड अप करते तो पंजाब के कुछ पिंड का ना लेंगे उस कोआर्डीनेशन ही असी अगे लेंदे हुए भी आपस वधिया कोआर्डीनेशन हो और जिहड़े ये समगलर है वो किसी भी हाल से अपने काम सफल रख। सर जी आप चिट्टे की गल करिए जो भदरोए दिखता ज़्यादातर जो पठानकोट के युवक है लैके आते हैं सर यहाँ मोटरसाइकिलों से पार करते हैं चक्की पुल के उ नाका भी लगा होंगे पंजाब से कभी चैक नहीं किया गया उन्होंने सर में लैके निकल जाते वो बारे की कहना बेसिकली देखो गाइडलाइनस तो है चैकिंग भी होंगी है प्रॉब्लम होंगी जो चैकिंग दौरान कोई रिकवरी नहीं होंगी जिन्ना चेर कोई रिकवरी नहीं होंगी उन्ना चेर वो एफ आई आर नहीं दर्ज होंगी और मोस्टली जो हम आपस असी डिस्कस भी करते सके और सर्च होंगी है परंतु उन्होंने को उस टाइम कोई रिकवरी नहीं होंगी जो जितों नशा लैन जाते उतों ही नशा करके होंगे और जो हम ट्रेंड हैगा बेसिकली ये सानू सारू ही अवेयर होना चाहिए कल्ली पुलिस ना हिमाचल पुलिस ना पंजाब पुलिस जो कही असी कल्ली पुलिस कुछ कर सकती है पॉसीबल नहीं है ये बच्चे के पेरेंट्स न बच्चे दे उस महल्ले दे गली तक और ईवन प्रेस सानू बच्चे नू गाइड करन दी लोड़ हैगी है जिहड़े बच्चे नशा करदे आपां कह लईए कि कुछ समय दे विच जिहड़ा इहदा रिजल्ट मिलेगा सख्त बिल्कुल बिल्कुल 100% और सारे ही जिन्हें असी जोर नाल इह लगे हुए हैं और परमात्मा करेगा बहुत जल्दी ही इहदे पॉजिटिव रिजल्ट आउणगे क्योंकि जिहड़ी पहलां अवेयरनैस नहीं रही साढ़े बच्चे नू नहीं सीगी हुण बच्चे भी साढ़े अवेयर हो रहे आ उहदे पेरेंट्स भी अवेयर होए आ जिहड़ियां जिहड़ियां इह असी वक्ख वक्ख टमें समय पर कंपेन स्टार्ट कीतियां कल्लियां नशे फंड दी नहीं अवेयरनैस दियां भी साडियां चलदियां हिमाचल दियां भी चलदियां और पंजाब दियां भी चलदियां। सर कई बार जिद्दां पुलिस डिपार्टमेंट आ वो अपना रेड मार दिया किसी के घर और उस तो बाद जिहड़े नशे के व्यापारी आ ये उन्होंने खिलाफ़ ही कार्रवाई करवा देंगे हायर अथॉरिटी बोल के किसी अफसर न कि साडे नाल पुलिस वाले ने गलत किया और जो पुलिस के आला अफसर है वो उन्होंने मतलब लाइन हायर कर देंगे क्या कितने मोरल नहीं मतलब डिग नहीं रहे नहीं यही है जिहड़ा भी पुलिस ऑफिसर कितने रेड कर जाने असं जो कानून